3 नवंबर को एक फिल्म का टीजर लॉन्च किया जाता है जो कि होता है द केरला स्टोरी, जिसमें कुछ लड़कियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी के बारे में बताई जाती है, जिसमें 3 लड़कियां होती है जिनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर फंसाकर ISIS का आतंकी बना दिया जाता है। तो सबको पता ही होगा कि रिसेंट में एक मूवी ट्रेंड में चल रही है जिसे फेक बताया जा रहा है, जिसका नाम है द केरला स्टोरी। इस मूवी के डायरेक्टर ने क्लेम करा है कि ये मूवी ट्रूथ बेस्ड स्टोरी में आधारित है, जिसमें केरला की कुछ लड़कियों का ब्रेन वॉश करा जाता है और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें सीरिया या इराक भेजा जाता है ISIS ज्वाइन करने के लिए। वहां पर इन लड़कियों को सेक्स स्लेयर्स और सुसाइड बॉम्बर्स की तरह यूज किया जाता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे ISIS के रिक्रूटर्स भोली भाली लड़की के ब्रेन को वॉश करते हैं, उन्हें प्यार में फंसाकर प्रेग्नेंट करते हैं और शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इस मूवी में 3 लड़कियों की बात हो रही है जो रियल लाइफ में है, नमीसा उफ फातिमा इजा, आयशा उफ सानिया सेबेस्टियन, मरियम उफ मरीन जैकोब। तो चलिए जानते हैं ये जो नंबर 32,000 है ये आखिर रियल है या फेक। जो भी इस मूवी को फेक कह रहे हैं उनका सबसे बड़ा काउंटर क्या है इस मूवी को लेकर? 2000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का ये कहना है कि 2010 में केरल के सीएम ओमन चांडी ने ये कहा था कि हर साल करीब 2800 से लेकर 3200 लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम धर्म में। इसी चीज को लेकर जब सुदीप्तो सेन ने कैलकुलेट किया तो नंबर आया 32,000। सोचने वाली बात ये भी है कि इस डाटा की जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसी वैल्यू को ली गई है, क्योंकि 32,000 ज्यादा रियल लगता है 30,000 और 28,000 के मुकाबले। ये अलग बात है जब इस नंबर के सोर्स को जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने सुदीप्तो सेन से पूछा तो उनकी बातों में फॉल्स नजर आने लगे, जिससे पता चला कि ये 32,000 नहीं काफी कम है। बट बात यह है कि है और ये नंबर 0 नहीं है। पर दोस्तों क्या आपको पता है यूट्यूब की दुनिया में इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो 2 बड़े लोगों के बीच बहस है वो है ध्रुव राठी सर और एल्विस यादव सर। अगर आपने इनकी वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। दोनों ने अपने फ्रंट ऑफ व्यू से सही कहा है, पर अगर बात करी जाए नॉलेज के दम पर तो ध्रुव राठी सर के ज्यादा सपोर्टर्स है एल्विस यादव सर के मुकाबले। ध्रुव राठी सर ने जो भी बोला है द केरला स्टोरी को लेकर उनने सब न्यूज आर्टिकल और प्रूफ के दम पर बोला है जो कि पब्लिक को सच लग रहा है। तो एल्विस यादव सर के रिप्लाई वीडियो पर कमेंट सेक्शन में 90% ऑडियंस ध्रुव राठी सर के नॉलेज के सपोर्ट में है। कौन किसके सपोर्ट में है ये मत देखो, जैसे कि मैंने कहा दोनों अपने फ्रंट ऑफ व्यू से सही है। पर दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी है कि 18 मई को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सब चीजें चेक करी और जब उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि ये फिल्म में जो दिखाया गया है वो सच नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फिल्म के प्रोड्यूसर को कि अब जब भी इस फिल्म को सिनेमा में दिखाया जाएगा तो एक डिस्क्लेमर आएगा, उस डिस्क्लेमर में होना चाहिए कि देयर इज नो ऑथेंटिक डाटा टू बैकअप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्सन इज 32,000 और एनी अदर फिगर, द फिल्म रिप्रेजेंट्स अ फिक्शनलाइज्ड पर्सन, ये सब लिखा होना चाहिए। पर अगर सुप्रीम कोर्ट की देखे तो उनने ये संख्या को फेंक कहा है जो 32,000 है, पर जो इस फिल्म में दिखाया है कि जो 3 लड़की है उनके साथ जो भी हुआ वो सच है। पर कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काती है और इसे नफरत फैलाने वाली फिल्म माना जा रहा है, जबकि ये फिल्म किसी धर्म को लेकर भड़काती नहीं है। बस ये फिल्म जो 3 लड़कियों के साथ हुआ वो कहानी को बयां कर रही है। इस फिल्म में अब उन लड़कियों को फंसाने वाले एक मजहब के थे तो इसमें उस मजहब के सारे लोग बुरे कैसे हो गए? आज तक कितने तरीके की फिल्मों में ढोंगी बाबा को दिखाया गया है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है, तो क्या सारे हिंदू धर्म के लोग बुरे हो गए क्या? अब ऐसे ढोंगी बाबा को दिखाया जाएगा तो कोई हिंदू देखकर यही कहेगा कि हाँ समाज में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। अब उसी तरह फिल्म में किसी मजहब के आड़ में अगर किसी लड़की को प्यार में फंसाया, उसका शोषण किया, उन्हें ISIS में भेजा तो उस मजहब के सारे लोग कैसे बुरे हो गए? ऐसे लोगों की सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप हिस्ट्री खोलकर देखोगे तो जिस मजहब को बुरा बनाया जा रहा है उस मजहब के बहुत सारे महापुरुष ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कराए। अगर आप चाहते हो कि मैं इन महापुरुष के महान कामों के बारे में वीडियो लाऊं तो कमेंट करके जरूर बताएं। टॉपिक में वापस आए तो भगवद गीता में लिखा है कि आपके कर्म आपकी जाति डिसाइड करती है। आप अच्छे हो या बुरे आपके कर्म डिसाइड करते हैं, ना कि आपके कर्म कोई जाति को डिसाइड करती है कि वो अच्छी है या बुरी। बस असल प्रॉब्लम ये है कि फिल्म के डायरेक्टर ने 3 लड़कियों की कहानी की जगह पूरे केरला के बारे में बताया, जबकि ये नंबर 32,000 नहीं 3 है। बट है ना, डायरेक्टर की गलती थी कि अगर वो सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी को दिखाने में फोकस करते तो शायद ही कंट्रोवर्सी नहीं होती। पर मैं तो ये कहूंगा कि नंबर चाहे 3 हो या 32,000, ये गर्ल्स के साथ की गई चीज बहुत ही ज्यादा बुरी थी। इमेजिन करो वो 3 लड़कियां में आपकी अपनी बहन बेटी होती तो क्या आप फिर भी इसे फेक कहते हैं? बाकी आप खुद समझदार हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।